हेलो फ्रेंड्स, सो अगेन वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पाइथन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में पार्ट टू की। नंबर सिस्टम पार्ट टू मीन्स व्हाट, कि यदि आपको पाइथन में एक डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को ऑक्टल में या डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, देन हाउ वी कन्वर्ट दिस। तो जो लोग डायरेक्टली इस पार्ट टू पे आ गए हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है पहले इसका प्रीवियस वीडियो आप देख लें, जहां पर मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया है कि व्हाट इज अ नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होते हैं, क्यों नंबर सिस्टम को हम यूज करते हैं, ठीक है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम्स होते हैं। और लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो ठीक इसका अपोजिट था, कि वी हैव अ बाइनरी नंबर बट आउटपुट में मुझे डेसिमल चाहिए, वी हैव एन ऑक्टल नंबर पर आउटपुट में मुझे डेसिमल चाहिए, ठीक है, वी हैव अ हेक्साडेसिमल नंबर पर आउटपुट में मुझे डेसिमल चाहिए। अब इसका जस्ट अपोजिट बात कर रहे हैं कि अब मेरे पास नंबर है डेसिमल बट मुझे उसका बाइनरी चाहिए। तो अगर मुझे डेसिमल का ऑक्टल चाहिए या हेक्साडेसिमल चाहिए तो ये किस तरीके से होगा? तो इट्स अ वेरी सिंपल, देखा पाइथन है ही बड़ी सिंपल लैंग्वेज, डे वन पे बोला था मैंने आपको इट्स अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो पाइथन ये बोलता है बॉस, यदि आपके पास एक डेसिमल नंबर है और अगर आपको उसका बाइनरी चाहिए, देन देयर इज अ फंक्शन कॉल बिन। सो सिंपल, मतलब विद दिस फंक्शन यू कैन कन्वर्ट यूर डेसिमल नंबर इन टू बाइनरी। अगर आपको डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, देयर इज अ फंक्शन कॉल ऑक्ट, और अगर आपको डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव अ फंक्शन हेक्स। ये तीन फंक्शन है जिसको यूज करके आसानी से आप एक डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसकी प्रोसेस जरूर समझेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा सामने, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया इस डेसिमल का बाइनरी क्या होगा पाइथन में, तो एटलीस्ट यू पीपल नो दैट हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू बाइनरी। क्योंकि जब हमने इसके रिवर्स कॉन्सेप्ट को पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहां पे कि अब अगर मान लो मेरे पास एक डेसिमल नंबर है ए इक्वल टू सपोज 13, ठीक है, दिस इज द डेसिमल नंबर, पर मुझे क्या चाहिए, इसका बाइनरी प्रिंट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, जस्ट राइट प्रिंट बाइनरी ऑफ ए, बाइनरी ऑफ ए, सो यू विल गेट बाइनरी ऑफ दिस 13, आपको 13 का बाइनरी मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है सर, 13 का बाइनरी मुझे क्या मिलेगा? ओके, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि आपको ये सीरीज आती है 1, 2, 4, 8, दो तरीके से बताता हूं मैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ये सीरीज है, ओके। आपका नंबर क्या है 13, तो अब क्वेश्चन ये है 13 मतलब अपना काम चार डिजिट से ही हो जाएगा। यदि आपका नंबर 15 से ग्रेटर है तो आप आगे की सीरीज जनरेट करें, लेकिन देखो आप 13 है तो 13 किस किस को जोड़ने पर आता है, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 8 + 4 = 12, 12 + 1 = 13। तो जब आप इसका आउटपुट देखोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 1101, विच इज अ बाइनरी ऑफ 13। सो सिंपल। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, तो आप सिंपली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। या इसका एक तरीका और है, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। यदि आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है, मतलब एक्चुअली क्वेश्चन क्या पता है, 13 इज अ डेसिमल नंबर कन्वर्ट इनटू बाइनरी, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका बेस 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 = 12, रिमाइंडर आया 1, 2 3 = 6, रिमाइंडर आया 0, 2 1 = 2, रिमाइंडर आया 1, एंड जस्ट 1101, दिस इज द आंसर, सिंपल। तो जब भी आपको किसी बाइनरी, किसी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन करना है, सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ बाइनरी ऑफ अ नंबर। और अगर ये नंबर नेगेटिव होगा तो फिर 2's कॉम्प्लीमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेशन करना है वो भी हम देख लेंगे, कि अगर मान लो नंबर नेगेटिव है देन हाउ विल गेट द 2's कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आप मेरा बिटवाइज ऑपरेटर वाला लेक्चर देखें, जो हमने पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे, वहां पर मैंने 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल अच्छे से बताया है। तो वहां पर आपको चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी, कि अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो हाउ वी कैन गेट बाइनरी ऑफ अ नेगेटिव नंबर, वो 2's कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो आपको अगर समझना है तो आप बिटवाइज ऑपरेटर वाला जो लेक्चर है उसको बिल्कुल देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हुई अगर डेसिमल है और बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। लेकिन अब अगर मान लो मैंने आपसे बोला, पहले एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि मान लो मैंने आपसे बोला वी हैव अ नंबर डेसिमल, ठीक, सपोज 13 ही ले लेते हैं, ठीक, ये डेसिमल है, नाउ कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब अगर मेरे से पूछा जाए इसका आउटपुट क्या होगा, प्रिंट ए, सॉरी इसको तो ये क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे ऐसे, ए इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन है, तो पाइथन में इसका कोड कैसे लिखेंगे आप, जो नंबर है उसको लिख दीजिए डेसिमल में,
ठीक, तो बाय डिफॉल्ट इट इज अ डेसिमल. नाउ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट ऑक्टल ऑफ ए ओसीटी, देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड ऑक्ट. अगर आप इस नंबर को ऑक्ट फंक्शन को दे देंगे, सो नाउ ऑक्ट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्टल. तो अब इसका ऑक्टल क्या होगा, तो इसको पता करना है, तो इट्स वेरी सिंपल, यहां डिवाइड मेथड वही, लेकिन अब डिवाइड किससे करना है, 8 से. ठीक, तो 8 वन जा 8, रिमाइंडर आया 5. ठीक, तो अब इसके बाद आंसर क्या होगा, 1 5, मतलब इधर से कैलकुलेट करते हैं, तो योर आंसर विल बी 1 5. आपका जो आंसर होगा वो होगा 1 5. तो यदि आपको एक डेसिमल नंबर दिया है और अगर आपको उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैन्युअली ऐसे कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट तो डायरेक्ट स्क्रीन पे आ ही जाएगा ना, ये आपको सिस्टम पे परफॉर्म नहीं करना है. ये तो मैंने आपको मैन्युअली बताया है कि डिवाइड बाय 8 करना है, मतलब 13 को 8 से डिवाइड किया. ठीक है, 8 1 8, रिमाइंडर आया 5, तो आंसर इज 1 5. और अगर कोई बड़ा नंबर है सो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे यहां पे. राइट, क्लियर है हाउ टू कन्वर्ट. अब यदि यही क्वेश्चन है कि यू हैव अ नंबर बाय चांस 36, बट दिस इज हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी डेसिमल, बट कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल. अब आपके पास डेसिमल है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. ठीक, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास ए में 36 और मुझे कन्वर्ट करना है किस में, हेक्साडेसिमल में, तो मैथड इज हेक्स मैथड. यदि मैंने लिख दिया हेक्स ऑफ ए, A इक्वल टू 36, प्रिंट हेक्स ऑफ ए, सो आई विल गेट द हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ दिस 36. अब वो क्या होगी, तो इसके लिए आप 16 से डिवाइड करें क्योंकि इसका बेस 16 है, तो 16 टू जा 32, ठीक है, रिमाइंडर आया 4. ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, 24, आंसर इज 24. अब मे भी पॉसिबल हो सकता है अगर रिमाइंडर 10 आता, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो ये तो 24 है, अगर मान लो मैं आपको बोलता नंबर इज 30 एंड कन्वर्ट 30 इंटू हेक्साडेसिमल, तो 30 का हेक्साडेसिमल क्या होगा, तो 16 1 16, रिमाइंडर आया 14, रिमाइंडर आया 14, है ना, ये रिमाइंडर 14 है, तो 14 को रिप्रेजेंट करते हैं हेक्साडेसिमल में एफ के साथ, तो इसका आंसर आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा, 1 F. इफ नंबर इज 30 यू विल गेट द आउटपुट 1 F. तो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू हेक्साडेसिमल, कि जब भी आपके पास डेसिमल नंबर है और अगर आपको उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज अ प्रोसेस, कि 16 1 16, ठीक, एंड रिमाइंडर आया 14 इज एक्चुअली एफ, तो यू विल गेट 1 F आउटपुट. समझ में आ रहा है, ठीक है. तो दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे कि अगर आपको कन्वर्जन करना है, एक बार लास्ट लेक्चर वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, पूरा ओवरऑल समझ लेते हैं एक बार, दोनों को मैं यहां लिखता हूं. अगर आपको एक नंबर को रिप्रेजेंट करना है ऑक्टल में, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है, तो ऑक्टल के लिए हम नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे 0O से, है ना, अगर आप 0O लिखोगे, मान लो 0O 23, सो दिस इज ऑक्टल नंबर. ठीक, यदि आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है, बाइनरी टू डेसिमल, तो आप अपना नंबर लिखोगे, इट इज समथिंग लाइक दिस, ए इक्वल टू दिस प्रिंट ए, सो वी विल गेट डेसिमल ऑफ 23. बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप क्या लिखोगे, ए इक्वल टू 0B, बट इट इज ऑलवेज बी 1011. प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ये तो मैं केवल एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं दोनों टॉपिक को एंड करने के बाद. दिस इज प्रिंट ए, सो यू विल गेट डेसिमल ऑफ दिस नंबर 10101, वॉट एवर दिस नंबर. ठीक, देन इफ सपोज वी हैव हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है, A इक्वल टू, सपोज वी हैव अ नंबर 2A5, ठीक, एंड नाउ आई नीड टू प्रिंट, अच्छा 2A5 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे हम, 0x2A5, 0x फॉर हेक्साडेसिमल, एंड नाउ यू कैन प्रिंट दिस, सो यू विल गेट डेसिमल. और इनके कन्वर्जन भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि ये आउटपुट आएगा तो कैसे आएगा. तो ये लास्ट टाइम का लेक्चर, और अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, कि यदि सपोज मुझे यदि सपोज मुझे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है, देन वी हैव अ बिन मेथड. यदि मुझे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना है, देन वी हैव एन ऑक्ट मेथड, ठीक है, और यदि मुझे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, देन वी हैव
hex method. This is hex, this is oct, ठीक है, and this one is bin. क्लियर है? तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये जो लास्ट टाइम पढ़ा था हमने और ये जो आज हमने देखा, बट इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि सपोज अगर आपसे इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन सिंपल एडिशन ही पूछ लिया उसने, सिंपल अगर आपसे ये पूछ लिया a इक्वल टू 0O25 प्लस 0X1A, व्हाट इज द आउटपुट, तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या होगा, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. क्लियर है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो यू हैव टू नो व्हाट इज नंबर सिस्टम इन पाइथन, किस तरीके से पाइथन नंबर सिस्टम को कैलकुलेशन करता है. तो आई होप यू गाइस कैन एंजॉय दिस लेक्चर. प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मुस्कुराते रहिए, और बढ़िया से बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.